पूर्वांचल थैलासीमिया वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा इंदिरा बाल विहार तिराहे पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें नागरिकों ने अपनी स्वेच्छा से आकर रक्तदान में भाग लेकर रक्तदान किया। जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि रक्तदान एक बहुत अच्छा कार्य है जो कि सभी लोगों को करना चाहिए। थैलासीमिया एक रोग है जिसमें हर महीने बीमार व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सभी लोगों को रक्तदान शिविर में आगे आकर रक्तदान में भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर में 400 लोग हमेशा रक्तदान करते हैं, इससे किसी को किसी तरह की कमजोरी नहीं होती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, हो जाके ना अलग से जाए कुछ खा के आए ना तो सब कुछ करने वाले पड़े जाइए अभी आपको चाहिए फिर अरे अभी वो फोटो खींचा है थोड़ा सा हाथ पीछे करते आप आज पूर्वांचल थैलेसीमिया सोसाइटी द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में मुझे आकर अपना ब्लड डोनेट करने का सौभाग्य मिला। सभी लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि थैलेसीमिया एक आनुवंशिक विकार है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये कोई फैलने वाली या इस प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। और गोरखपुर शहर में कम से कम 400 से ऐसी फैमिलीज हैं जो हर जब जब हर 10-15 दिन में जब जब जरूरत होता है तब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाती हैं, और इसलिए ब्लड का डोनेशन बहुत ज़रूरी है। सभी लोगों के शहर के जितने भी निवासी हैं सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि आप आइए, खून दीजिए। ब्लड डोनेस करने से आपका अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और उसके साथ साथ जिस व्यक्ति को आपका ब्लड मिलता है वो व्यक्ति भी अपना जीवन पाता है। थैंक यू।